तो दोस्तों, तो आज आप सुनेंगे माइंडसेट बुक की समरी। दोस्तों, आप जिंदगी में सफल होंगे या असफल, ये आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। राइटर के अनुसार दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोग जिंदगी में ज़्यादा अचीव नहीं करते, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले दुनिया को हिला डालते हैं। आइए इस बुक की समरी डिटेल में सुनते हैं। पॉइंट वन, फिक्स माइंडसेट। कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि सक्सेस तो सिर्फ टैलेंट वाले लोगों को ही मिलती है। यह सोचकर वे लाइफ में कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते। इसे ही फिक्स माइंडसेट बोला जाता है। वे सोचते हैं कि उनमें नई चीज़ को सीखने का टैलेंट ही नहीं है, और अगर वे कोशिश करेंगे तो हमेशा फेल ही होंगे। अगर वे कोशिश करते भी हैं और फेल हो जाते हैं तो बहुत इंसल्टेड फील करते हैं और दोबारा उस काम को हाथ न लगाने की कसम खा लेते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर एक ही जॉब करते रहते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग हमेशा दूसरों की चिंता करते रहते हैं। वे हर काम यही सोचकर करते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। वे सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके किसी काम का मजाक ना बनाएं और हमेशा उनकी तारीफ करते रहें, इसलिए वे सारे काम अपने लिए ना करके दूसरों को ध्यान में रखकर करके रहते हैं। उनका मकसद दूसरों को खुश रखना होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरे लोग आपके अच्छे काम में भी कोई बुराई ढूंढ ही लेते हैं, इसलिए फिक्स माइंडसेट वाले लोग कभी सच्ची खुशी हासिल नहीं कर पाते और जीवन भर कुढ़ते रहते हैं। पॉइंट थ्री, एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स एंड ग्रोथ माइंडसेट। राइटर ने फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट समझाने के लिए दो लोगों का एग्जाम्पल दिया है। ली लिकोवा एंड क्रिस्टल मोटर्स के SEO थे। उन्होंने इस कंपनी को तब ज्वाइन किया था जब यह बैंक्रप्ट की कगार पर थी। उन्होंने अपने वाइज डिसीजन से कंपनी को फिर से उबार दिया, लेकिन उसके बाद उनमें ईगो आ गई और वे फिक्स माइंडसेट के हो गए। उन्हें लगा अब तो कंपनी अपने आप ही चलती रहेगी। वो खुद के सुपीरियर मानने लगे और दूसरे एम्प्लॉयज को इन्फीरियर। वे किसी का भी सजेशन नहीं सुनते थे। उन्हें लगता था उनके सारे डिसीजन सही होते हैं, लिहाजा धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ रुक गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल है लो ग्रिस्टनर का, जो IBM के CEO थे। उन्होंने कंपनी को डूबने से बचाया था। उन्होंने देखा कि कंपनी ने अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे थे। उन्होंने टीम वर्क को बढ़ावा दिया, ऐसे एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड दिया जो काम वर्क हेल्प करते थे, साथ ही वे खुद भी एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करते थे। उन्होंने सब एम्प्लॉय को कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करने के लिए मोटिवेट किया और समझाया कि कंपनी की ग्रोथ से ही वे सब भी ग्रोथ करेंगे, और उनकी जॉब बच गई। लिहाजा IBM आज भी अग्रणी कंपनीज में से एक है। पॉइंट फोर, इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स और माइंडसेट। माता पिता के बर्ताव का बच्चों के माइंड पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई माता पिता बच्चों को हमेशा छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटते रहते हैं तो ऐसे बच्चे बड़े होकर फिक्स माइंडसेट के हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे लाइफ में कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते, उनमें हीन भावना भर जाती है। वहीं दूसरी ओर जो माता पिता बच्चों को अक्सर प्रशंसा करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, गलती होने पर तर्क के जरिए उन्हें समझाते हैं, ऐसे बच्चे लाइफ में बहुत आगे जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। इसलिए माता पिता को अपने बर्ताव पर ध्यान देना चाहिए। पॉइंट फाइव, इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स ऑन माइंडसेट। स्कूल के टीचर भी हमारे माइंडसेट को प्रभावित करते हैं। कुछ टीचर फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और वे लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, और बच्चे डफर, वे लाइफ में कुछ नहीं करेंगे। इसलिए वे हमेशा इंटेलिजेंट बच्चों पर ही ध्यान देते हैं और स्लो लर्नर्स की कोई एक्स्ट्रा हेल्प ही नहीं करते। वे ये भी नहीं देखते कि ऐसे बच्चों के मार्क्स कम क्यों हैं, उनके लिए क्या ऐसी स्ट्रेटजी लगाई जाए कि उनके मार्क्स भी अच्छे हो सके। ऐसे बच्चों का माइंडसेट हमेशा के लिए फिक्स टाइप का हो जाता है। वे सोच लेते हैं कि उन्होंने स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इसलिए शायद वे कभी लाइफ में बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसके उल्टा कुछ टीचर्स ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। वे स्लो लर्नर को भी एक्स्ट्रा क्लास देते हैं या आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। फेल होने पर भी उन्हें प्रेरित करते हैं। पॉइंट सिक्स, एनीवन कैन बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट। हर कोई अपने बिहेवियर को चेंज करके अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकता है। यदि आप ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हो तो खुद को बदलें। क्रिटिसिज्म की जगह उन्हें मोटिवेट करें, अच्छा काम करने के लिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें और अप्रिशिएट करें। गलती होने पर उन्हें लॉजिकली समझाएं। अगर आप ऐसे टीचर हैं जो स्लो लर्नर का मजाक उड़ाते हैं या उनकी कोई हेल्प नहीं करते तो खुद को बदलें। मजाक उड़ाने की जगह आप उन्हें कॉन्सेप्ट को फिर से समझाएं या समझाने की सरल टेक्निक ढूंढ लें। अपने अंदर पेशेंस और स्टूडेंट को मोटिवेट करते रहें। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसे स्कूल और घर में क्रिटिसाइज ही किया जाता रहा हो तो आप भी अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट रखें, एक गोल बनाएं और खामोशी से उसकी तरफ बढ़ते रहें। नेगेटिव लोगों की बातों को मन में ही ना रखें। जैसे जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, ऐसे में हाथी क्या करता है? कुछ नहीं, वह अपने गंदक की तरफ बढ़ता रहता है। वह चाहे तो कुत्तों को कुचल भी सकता है, लेकिन नहीं, वह नेगेटिव लोगों से नहीं उलझता। ऐसा करने से उसके अंदर मेंटल पीस बनी रहती है और रात को भी नींद अच्छी आती है। अब खुद से कहें कि क्रिटिसिज्म से बोली गई बातें सही नहीं है, मैं क्रिटिसिज्म को माफ करता हूँ क्योंकि वे मेरे यूनिक टैलेंट को जानते ही नहीं है। मैं लाइफ में धीरे धीरे नई स्किल सीखूंगा और एक दिन सबको सफल होकर दिखाऊंगा। कहा भी गया है सफलता सबसे अच्छा प्रतिशोध है। पॉइंट सेवन, ब्रेकिंग द फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट बुरी आदतों की तरह होता है। बहुत बार हम एफर्ट ही नहीं करना चाहते, हम यह मान लेते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसका सरल तरीका यह है कि किसी भी कठिन काम को टुकड़ों में बांट लिया जाए। जैसे अगर आपको 2000 शब्दों की ब्लॉग पोस्ट लिखनी है तो एक साथ ना लिखें बल्कि 500 शब्द सुबह लिखें, 500 दोपहर को, 500 शाम को, 500 सोने से पहले। इस तरह आपको यह काम बोझ ही नहीं लगेगा और आप बहुत ही इफिशेंटली से कर पाओगे।
शुरू में टफ लगेगा, लेकिन हर दिन ऐसा करते रहने से आपको आदत पड़ने लगेगी और आपका फिक्स माइंडसेट बदलकर ग्रोथ माइंडसेट हो जाएगा। पॉइंट एट, एनी वन कैन चेंज। राइटर कहती हैं कि कई बार सक्सेस के लिए दूसरे फैक्टर भी जिम्मेदार होते हैं, जैसे अगर कोई रिच फैमिली में पैदा हुआ है तो उसकी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद गरीब घर में पैदा होने वाला व्यक्ति भी आगे चलकर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वे ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। कभी भी यह ना सोचें कि आपके स्कूल और कॉलेज में ग्रेड्स कम थे इसलिए लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि लाइफ में स्कूल के सब्जेक्ट काम ही नहीं आते। जैसे कि आपने कभी एलोवेरा डेली लाइफ में इस्तेमाल किया है, ये संस्कृत के श्लोक इस्तेमाल किए हैं, तो स्कूल के मार्क्स का सफलता में इतना योगदान नहीं होता। बहुत से स्टार्टअप फाउंडर्स के एग्जांपल हैं, सिर्फ चाय बनाकर आजकल युवक अपनी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। कैनली और बिस्लेरी जैसी कंपनी सिर्फ पानी बेचती हैं और कोई रॉकेट साइंस वाला प्रोडक्ट भी नहीं है। इस तरह पास्ट की परफॉर्मेंस को अपने रास्ते का रोड़ा न बनने दें, हमेशा ग्रोथ की सोचें। हमेशा याद रखें, किसी भी उम्र में कुछ भी नया सीखा जा सकता है। पॉइंट नाइन, ग्रोथ माइंडसेट इन बिजनेस। बिजनेस शुरू करती बार लोगों को लीड करना पड़ता है। अच्छा बॉस वो होता है जिसमें कोई ईगो नहीं होती, वह हमेशा नया सीखने को तैयार होता है, वह ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। ऐसा बॉस कभी ऐसा नहीं दिखता कि वह सब कुछ जानता है, बल्कि अपने एम्प्लॉय से हेल्प लेने को हमेशा तैयार रहता है। वह टीम के सामने फेल होने से भी नहीं डरता, बल्कि एग्जाम्पल सेट करता है कैसे फेल होने के बाद भी आगे बढ़ा जाए। साथ ही टीम के फेल होने पर उन्हें कोसता नहीं है, बल्कि उनके मिस्टेक्स उतारने में हेल्प करता है। इसके विपरीत माइंडसेट वाले बस सोचता है कि वह सबसे ऊपर है, उसकी कोई चिंता ना करते, सब उसके ऑर्डर्स को आंख बंद करके मानते रहें। वह किसी को सजेशन भी नहीं देता, इसमें टीम मेंबर की कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करते और दिल से कंपनी के लिए काम भी नहीं करते। वह पहला मौका मिलता है उसे कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे में उस कंपनी का बिजनेस फेल हो जाता है। पॉइंट 10, अप्लाइंग द ग्रोथ माइंडसेट टू लव। कई बार लाइफ में रिलेशनशिप भी फेल हो जाती हैं, फिक्स माइंडसेट वाले ऐसे में दुखी हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कई बार तो वे बदला लेने की कोशिश भी करते हैं, कुछ तो क्राइम तक कर डालते हैं, लेकिन इसका नतीजा उनके लिए बहुत बुरा होता है। क्राइम के लिए उन्हें जेल जाना पड़ता है और सारी जिंदगी खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा लव में ही ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। क्या संसार में एक ही व्यक्ति होता है? हर कोई दूसरा पार्टनर तलाश कर सकता है और हो सकता है कि दूसरा पार्टनर पहले वाले से बेहतर हो। इस तरह हमें हर डिफिकल्ट सिचुएशन में ग्रोथ माइंडसेट ही रखना चाहिए। इससे लाइफ में हमें सफलता मिलती रहेगी और हमारी ग्रोथ भी होती रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको माइंडसेट बुक की समरी पढ़कर आपने भी अपना माइंडसेट बदलेंगे और ग्रोथ माइंडसेट विकसित करेंगे। इससे आपको लाइफ के हर क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको बुक की समरी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।